कई बार तो मैं कहता हूं कि हमारे पूर्वजों ने बड़ी बड़ी गलतियां करी है, अब वो हम ढो रहे हैं। बंटवारा कर दिया, बाप जब दो बेटों को मकान बनाकर अलग अलग देता है तो भैया तेरा ये, इसमें तू रहे, इसमें तू रहे, यहां तो बांटने के बाद भी झमेला खड़ा हुआ है, अभी भी झमेला चल रहा है। बंटवारा हुआ लेकिन वो अधूरा हुआ, क्योंकि गांधी जी ने कहा कि जो जहां वहीं रह जाए। पटेल साहब तो कहते थे ऐसा नहीं, जैसा किया करो वैसे ही होने दो। तो महाराज ब्राह्मण समाज की वंदना की गई है, तो ब्राह्मण कौन? जिसके माता पिता दोनों ब्राह्मण परिवार से हैं, माँ भी ब्राह्मण खानदान की हो, पिता भी ब्राह्मण खानदान का हो, और उससे जब बालक होता उसे बोलते हैं ब्राह्मण, और एक भी गड़बड़े तो फिर ब्राह्मण नहीं है। और आजकल तो बड़ी विडंबना है, आग सब जगह लग गई, बड़े शहर का कचरा छोटे शहर में आता है और छोटे शहर से फिर देहात में चला जाता है। पहले बड़े शहर के लोग बिगड़ते हैं, क्या रखा है जातियों में, तो फिर कुत्ते बिल्ली के साथ शादी कर लो, क्या रखा जातियों में, अंतर जाति विवाह करो, हाँ अंतर जाति विवाह करो, फिर अंतर जाति अंतरराष्ट्रीय विवाह करो, फिर जानवरों के साथ विवाह करो, फिर बंदरिया के साथ करो, फिर जहां मनाए वहां विवाह करो, कौन मना कर रहा है? अंतर जाति विवाह है। अच्छा, सरकार भी प्रोत्साहन दे रही है, यदि सनातन धर्म की रक्षा करनी है किसी भी सरकार को तो अंतर जाति विवाह पर रोक लगाओ, तभी सनातन धर्म बचेगा, नहीं तो नहीं बचेगा। रोक लगाइए, चाहे वो कोई भी सरकार हो। मोदी साहब आप भी यदि सनातन धर्म की रक्षा करना ही चाहते हैं तो एक ऐसा कानून बनाओ कि बिना माता पिता की मर्जी के कोई बेटा बेटी शादी कर ही ना पाए। 25 साल तक मैया बाप ने पाला पोषा, बड़ा किया, अपने शरीर में फटे कपड़े पहने, इसको खिला पिला कर तैयार किया, और 5 मिनट में कहता हम आपसे कुछ लेना देना नहीं है। वो 5 मिनट में आई, और वो 5 मिनट में जो आई वो तेरी सगी हो गई, वो तेरा सगा हो गया, और 25 साल वाला तेरा बेकार है। इसलिए ऐसा कानून बनाइए कि बिना माता पिता की मर्जी के कोई भी बेटा और बेटी शादी कर ही ना पाए। अंतर जाति विवाह पर रोक लगनी चाहिए पूरी तरह से, नहीं तो सनातन धर्म नहीं बचेगा। और सनातन धर्म को मिटाने के लिए विदेशी लोग लगे हुए हैं, किसी ना किसी रूप में लगे हैं, ये उन्हीं की देन है अंतर जाति विवाह, विदेशियों की देन है अंतर जाति विवाह है, क्योंकि विदेश में कोई स्त्री नहीं होती है, आज कोई कल कोई परसों कोई, जो देखे इधर डोलता उधर डोलता, चूहे बिल्ली कुत्ते की तरह डोलते, वहां कोई सिद्धांत नहीं है। जैसे जानवरों में, जब जानवर में बालक का जन्म होता है, जब बड़ा हो जाता है तो रिश्ते खत्म हो जाते, जानवर में जब बालक बड़ा हो जाए तो रिश्ते खत्म हो जाते, लेकिन हमारे यहाँ रिश्ते आजीवन रहते, मृत्यु पर्यंत रहते हैं। मेरे फला दादा, मेरे फला बाबा, मेरे फला बाबा के बाबा, ये सब रिश्ते रहते हैं। ये कहाँ, ये केवल हमारे सनातन धर्म में रिश्ते हैं और कहीं नहीं है। इसलिए सनातन धर्म सारे विश्व का केंद्र बिंदु है, ये भारत सारे विश्व का केंद्र बिंदु है, और भारत को अध्यात्म देने वाला भी, विदेशों को अध्यात्म देने वाला भी भारत ही है। इसलिए सनातन धर्म के ऊपर सभी की निगाहें हैं। इसलिए सारे चाहते, इस्लाम भी चाहता, क्रिश्चियन भी चाहता कि सनातन धर्म खत्म हो जाए। तो भैया अब इस देश के नेताओं को चाहिए कुछ ऐसा कानून बनाओ ताकि इसकी रक्षा हो सके। और सबसे बड़ा कानून है अंतर जाति विवाह है। दो चीज सुधर जाए, सब सुधर जाए, दो चीज बस, दो चीज को संभाल ले देश की सरकार, सब संभल जाएगा, रोटी और बेटी, बस हमारे हिंदू भाई जागे और दो चीज संभाले, रोटी और बेटी, खान पान शुद्ध हो जाए और बेटी सही हो जाए, पूरे धर्म की रक्षा हो जाएगी।